हेलो एंड वेलकम टू टेक वेदा। अब चैनल का नाम चेंज क्यों किया एंड ऑल दैट स्टफ, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं क्या होगा अगर हम GPU को डायरेक्टली मदरबोर्ड पर लगा पाए। इफ दिस देन व्हाट। बाय द वे, मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या हुआ होता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। ग्राफिक्स कार्ड क्या है? बेसिकली एक मदरबोर्ड है, उस पर एक GPU लगा है, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा आपके मदरबोर्ड पे CPU लगा होता है, ग्राफिक्स कार्ड पे RAM भी लगी होती है, VRAM, दैट मीन्स वीडियो RAM। जैसे आपके मदरबोर्ड पे RAM लगी होती है, नॉर्मल RAMs, GPU की पावर डिलीवरी के लिए उसमें VRM सेक्शन पे लगे होते हैं। सेम जैसे आपके मदरबोर्ड पे CPU के आजू बाजू जो चोक्स, MOSFETs एंड कैपेसिटर्स लगे होते हैं, दैट वॉज द VRM सेक्शन। सो सेम VRM सेक्शन आपके ग्राफिक्स कार्ड में भी लगे होते हैं, एंड वीडियो आउटपुट के लिए HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट लगे होते हैं। GPU का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए उसमें कुछ हीट सिंक्स एंड फैन भी लगे होते हैं। एंड फाइनली उसे मेन मदरबोर्ड पे लगाने के लिए PCI Express इंटरफेस भी होता है, ताकि हम उस ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड पे लगे PCI Express X16 स्लॉट में लगा सके एंड CPU एंड ग्राफिक्स कार्ड के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। ओके, सो ये है नॉर्मल लाइफ। अब कैसा होगा अगर हमें पूरा ग्राफिक्स कार्ड ना लेना पड़े और एक सिंपल GPU हम अपने मदरबोर्ड पे लगा पाए, जस्ट लाइक CPU। सो ऑब्वियसली मदरबोर्ड पे एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एंड यू नो कि यार ग्राफिक्स कार्ड को उसकी एक डेडिकेटेड मेमोरी भी चाहिए होती है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सिस्टम की मेमोरी शेयर कर लेते हैं, बट डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को डेडिकेटेड VRAM की जरूरत पड़ेगी। VRAM, नॉर्मल RAM एंड वीडियो RAM वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। नॉर्मल RAM का यूज होता है स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, जबकि वीडियो RAM का काम होता है लार्ज सिंगल डेटा स्टोर करने का, टेक्सचर स्टोर करने का एंड कुछ ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का। उस काम में वीडियो RAM काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट होती है। सो हमें मदरबोर्ड में वीडियो RAM के लिए अलग स्लॉट्स चाहिए होंगे। सो नॉर्मल स्लॉट्स अलग एंड वीडियो RAM के लिए स्लॉट्स अलग। अगर आपके सिस्टम में कोई सिंगल यूनिट है जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, सो दैट वॉज द GPU। आई मीन लिटरली आज के टाइम में हाफ ऑफ द किलोवाट तक के भी GPUs मार्केट में आने लगे हैं, एंड ऐसे मॉन्स्ट्रस GPU को पावर डिलीवरी के लिए चाहिए होंगे मॉन्स्ट्रस काफ़ी ज़बरदस्त वाले व्हाट वी से VRM सेक्शन, जिसमें बेसिकली चोक्स, MOSFET एंड कैपेसिटर्स होते हैं, एंड ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा डिस्प्ले पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा HDMI पोर्ट्स भी चाहिए होंगे, जिसकी वजह से मदरबोर्ड का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड उसी के साथ साथ उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इस सिचुएशन में आपको GPUs तो सस्ते में मिल जाएंगे, बट मदरबोर्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड पूरी PC बिल्डिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट कहलाएगा आपका मदरबोर्ड। अभी सिर्फ GPU के परस्पेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज यू नो मार्केट में 100 वॉट का एक बेसिक GPU भी आता है एंड 450 वॉट का एक हाई एंड GPU भी आता है। सो अलग अलग नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में अलग अलग मदरबोर्ड आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक बजट मदरबोर्ड, एक मिड रेंज मदरबोर्ड एंड एक फ्लैगशिप मदरबोर्ड। अब मिड रेंज मदरबोर्ड में बेसिक कंपोनेंट्स लगे होंगे लाइक बेसिक VRM सेक्शन, लाइक 2 VRAM स्लॉट, एंड मिड रेंज में थोड़े बेटर कंपोनेंट होंगे एंड फ्लैगशिप में फ्लैगशिप लेवल के कंपोनेंट लगे होंगे, एंड जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। तो ये हो गया जस्ट GPU का परस्पेक्टिव। अभी CPU एंड GPU दोनों के परस्पेक्टिव से देखते हैं। लेट से किसी का काम है वीडियो एडिटिंग वाला, आफ्टर इफेक्ट्स वाला, एंड मान लो उसे ऐसा कंप्यूटर बिल्ड कराना है जिसमें प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हो, जिसमें CPU काफ़ी ज़बरदस्त लगा हो, बट वो चाहते हैं कि बेसिक सा ग्राफिक्स कार्ड उसमें लगा हो। अब क्योंकि उसे CPU एक फ्लैगशिप वाला ही लगाना है, तो उसे मदरबोर्ड भी एक फ्लैगशिप वाला ही लेना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम उसमें एक्सपेंसिव VRM सेक्शन GPU के लिए भी लगे होंगे, जबकि उसे उसमें लगाना है बेसिक सा GPU। अब उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, उसे मजबूरी में वो मदरबोर्ड लेना ही पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा पैसे पे करने ही पड़ेंगे। या फिर हो सकता है किसी को एक हाई एंड GPU लगाना हो, बट CPU ऐसे एक बेसिक सा लगाना चाहता है, सो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसे एक्सपेंसिव मदरबोर्ड लेना ही पड़ेगा। एंड कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे खत्म नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे शुरू होती है। डेस्कटॉप प्रोसेसर में फिलहाल मार्केट में 2 प्लेयर्स है, दैट वॉज इंटेल एंड AMD, एंड दोनों के मदरबोर्ड अलग अलग आते हैं, दोनों के मदरबोर्ड के सॉकेट्स अलग अलग होते हैं। यही नहीं है, अगर स्पेसिफिकली इंटेल या फिर स्पेसिफिकली AMD की बात करें, तो AMD Ryzen का अलग सॉकेट, AMD Threadripper का अलग सॉकेट, AMD Epic का अलग सॉकेट, एंड सिमिलरली विद इंटेल, कोर सीरीज के लिए अलग मदरबोर्ड्स, Xeon के लिए अलग मदरबोर्ड्स। एंड जैसे नॉर्मली अभी होता है, आपको फॉर एग्जांपल इंटेल या AMD में से कुछ चूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने AMD चूज कर लिया, एंड AMD चूज करने के बाद आपने कोई मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, एंड बाद में इंडिपेंडेंटली आपने ग्राफिक्स कार्ड चूज कर लिया। बट अभी जिस सिचुएशन की अपन बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन में पहले ही कन्फर्म करना पड़ेगा CPU एंड GPU किसका होना, लाइक AMD एंड उसमें 3 अलग अलग मदरबोर्ड, AMD एंड NVIDIA उसमें 3 अलग अलग मदरबोर्ड,
AMD एंड Intel, उसमें तीन अलग अलग मदरबोर्ड, लाइक Intel के भी तो GPUs मार्केट में आ रहे हैं, देन Intel एंड AMD वाला मदरबोर्ड, देन Intel एंड Intel वाला मदरबोर्ड, देन Intel एंड NVIDIA वाला मदरबोर्ड, एंड उन सब में भी तीन तीन या छः छः या नौ नौ पता नहीं कितने कितने अलग अलग मदरबोर्ड्स, एंड ऐसे में जो मदरबोर्ड्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे दैट वॉज ह्यूज, एंड उसी के साथ साथ कन्फ्यूजन भी ह्यूज। बट हर किसी को एक हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई है जिसका काम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड पे चल जाए, बट उसको स्टिल उस कंपोनेंट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। एंड लेट्स से मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी अगर ऐसे मदरबोर्ड भी लॉन्च करते हैं जिसमें GPU लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है, उन सारे कंपोनेंट्स का कोई ऑप्शन नहीं है, एंड ऐसे में अगर वो बंदा वह मदरबोर्ड ले लेता है, एंड फ्यूचर में अगर उसे GPU लगाने की जरूरत पड़े तो वो नहीं लगा पाएगा, उसे फिर से नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। एंड मानो इतने सारे ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन चूज कर भी लिया, लाइक Intel एंड NVIDIA, एंड लेट से अगले साल आपको उसका CPU अपग्रेड कराना है, हो सकता है तब तक कि Intel ने अपना सॉकेट चेंज कर लिया हो, नए जनरेशन के लिए नया सॉकेट लॉन्च किया हो, एंड NVIDIA भी हर जनरेशन के साथ अलग अलग आर्किटेक्चर लॉन्च करते रहते हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली उसका भी सॉकेट चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, आपने नया CPU भी ले लिया, आपने नया मदरबोर्ड भी ले लिया, बट पुराने GPU का क्या, वो तो इसके साथ कंपेटेबल है ही नहीं, तो उस केस में आपको GPU भी नया लेना पड़ेगा। एंड ये जो पूरा सीन है, ऐसे में आपका जो सिस्टम है वो जल्दी आउटडेटेड भी हो जाएगा। हाँ, वही आपका सुपर एक्सपेंसिव सिस्टम जल्दी आउटडेटेड भी हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी किसी को अगर अपना GPU बेचना भी है तो उसे काफ़ी कम रेट में उसे बेचना पड़ेगा, मतलब आफ्टर सेल वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। सो यू कैन इमेजिन हाउ क्रीपी द सिचुएशन विल बी, बट थैंकफुली ऐसा अभी कुछ है नहीं। वी हैव PCI Express X16 स्लॉट्स जिसमें हम अपने एक्सपेंसिव वाले ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं एंड मजे लेते हैं। एंड आप लिटरली आज का लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड 10 साल पुराने सिस्टम में भी लगा सकते हो, टेक्निकली लगा सकते हो, बैंडविड्थ का इशू एंड ऑल दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। सो वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द PCI Express स्लॉट, एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड मैं इस चैनल पर ऐसे PC एंड टेक रिलेटेड कॉन्टेंट को लेके आता रहता हूँ। अगर आपका भी ऐसे कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.